जब जब भाजपा सत्ता में आई है इसने दंगे कराए हैं या कुछ न कुछ हमले कराए हैं या भारत पाकिस्तान के कराए हैं। अमित शाह के सीधे संबंध टैनी से हैं। एक आदमी जो ऊपर बैठा है वो तड़ी पार है, वो भी बदमाश है और जोन सही है ये भी तस्करी करता था। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, या तो तुम 2013 में गलत थे या तुम आज गलत हो। जो हाल हिटलर का हुआ था वही हाल मोदी जी तुम्हारा होगा। स्वयं को मौत के घाट उतार खुद गोली मारोगे अपने आप को। और आज बदल बदल करके जो सवाल ये सरकार करती है इससे पूरा देश जान रहा है कि ये पूरी भाजपा की चाल है, पूरी प्लानिंग है। संविधान को सूली से नीचे उतार दे भारतीय जनता पार्टी, तो आज इसी वक्त इन्हें अपने मंत्री को इस पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और उसको जेल भेज देना चाहिए। तो ये दोनों हमारे किसानों के लिए तो रावण है, ये भी तो रावण है प्रधानमंत्री, और ये जो गृह मंत्री जिनको बता रहे हो तुम तो रावण से भी बुरे हैं, इनका इसी तरीके से पुतला दहन हो, इससे बुरी गवर्नमेंट हमारे किसानों के लिए तो कभी जीवन में आई ना होगा। क्योंकि सुबह आरएसएस के दफ्तर से, भाजपा के दफ्तर से एक पोस्ट निकलती है और वो पोस्ट निकल करके 5 मिनट के अंदर पूरे भारत के अंदर छा जाती है और बताते हैं कि हाँ मोदी जी सही है, मोदी जी सही है। क्या मोदी, क्या एक देश के प्रधानमंत्री का यही धर्म है? नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले कुछ महीने पहले की अगर बात करें तो लगभग 1.5 महीने तक गोदी मीडिया ने आपको दिन रात अफगानिस्तान तालिबान दिखाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की गोरखपुर, असम में सिलसिलेवार तरीके से जो घटना होती है उस घटना ने मीडिया के उस प्रोपेगंडा या चाल कहें जिसको ज़बरदस्ती दिन रात आपके सामने परोसा जाता है उसको दिखाने में उसको दिक्कत आ रही थी। अभी पिछले एक हफ्ते पहले जो लखीमपुर में नरसंहार हुआ है उसको लेकर मीडिया का पिछले एक हफ्ते तक जो सवाल था या जिस तरह की स्टोरी कर रहे थे वो लोग, वो अब कल रात से बिल्कुल बदल गया है। अब वो प्रशासन की जीत बता रहे हैं। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करके जानेंगे। वजह ये कि किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि देश भर में प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर पुतला भी जलाया जाएगा। ये मुझे ये बताएं कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो जाती है या सरेंडर कर देते हैं, वो सवाल गोल मटोल जवाब देते देते, ये पुलिस का एग्ज़ाम है, ये काफ़ी है या फिर आप उनके पिता के गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन ये कांड हुआ था मैं टिकैत साहब के साथ लखीमपुरी पहुंचा था और वहाँ पे जो बात हुई थी और प्रशासन से भी बात हुई उसमें एक बात सबसे पहले रखी गई थी कि सबसे पहले जो इसका पिताजी है टैनी उसका इस्तीफ़ा होना चाहिए और इस्तीफे के बाद उसके ऊपर 120 BB लगाई और उनके लड़के पे 302 का यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये चीज़ें, ये डिमांड सबसे पहले रखी गई थी, उसके बाद मुआवजे की बात थी। लेकिन आज अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की सरकार को और प्रशासन को, जो हमारी सेंटर में सरकार है उसको भी अगर हम देखें, अमित शाह के सीधे संबंध टैनी से हैं। एक आदमी जो ऊपर बैठा है वो तड़ी पार है, वो भी बदमाश है और जोन सही है ये भी तस्करी करता था। क्योंकि जब हम वहाँ पर गए वहाँ के लोगों से जानकारी मिली कि नेपाल में तस्करी करता था। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि आज के समय में जैसे माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग तैयार कर रहे हैं कि जब लगभग 5 से 6 दिन हो जाते हैं तब जा कर के जब सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि इसको अरेस्ट करिए, 302 का मुकदमा हर व्यक्ति के लिए बराबर है, तब जा कर के रात इन्होंने आनन फानन में किस तरीके से पूरे VIP कोटे की तरह ले जा करके उस आदमी को पुलिस को दिया, पूरी तैयारी के साथ सबूत ख़त्म करने का प्रयास करके तब जा कर के इन लोगों ने उसको अरेस्ट करवाया, लोगों को दिखाया, भ्रमित कराया। परसों एक प्रवक्ता से बात हो रही थी भाजपा के से मेरी, उन लोगों को पता था कि कल रात को वो अरेस्ट हो जाएगा, तो यानी कि पूरे भाजपा का हर एक व्यक्ति को ये पता था कि वो कहाँ है। पुलिस प्रशासन उसको खोजना नहीं चाह रही थी, पुलिस को भी पता था कहाँ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब दबाव दिया तब जा कर के ये काम हुआ, नहीं तो ये लोग उसको अभी गायब रखते। और उस दिन जिस तरीके से नरसंहार इन्होंने किया वहाँ पे, और आज बदल बदल करके जो सवाल ये सरकार करती है इससे पूरा देश जान रहा है कि ये पूरी भाजपा की चाल है, पूरी प्लानिंग है। जब हम वहाँ पर गए रात को, हम यहाँ से शाम के टाइम 5 बजे निकल गए, सुबह 4:30 बजे वहाँ पहुँचे, तब जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
वहाँ का माहौल देखा, तो इस सरकार ने पूरा प्रयत्न किया हुआ था कि ये माहौल दंगे का रूप ले ले, क्योंकि जब जब भाजपा सत्ता में आई है इसने दंगे कराए हैं या कुछ ना कुछ हमले कराए हैं या भारत पाकिस्तान के कराए हैं। जैसे आज चीन को भारत के अंदर एंट्री दिखा रहे हैं, तनाव का माहौल बना हुआ है। हमेशा सरकार ने प्रयास किया और उस दिन भी उन्होंने यही प्रयास किया, क्योंकि जब वहाँ पर टिकैत साहब पहुँच गए उन्होंने जा कर के उस माहौल का जायजा लिया और कोशिश की कि ये उग्र ना हो जाए भीड़ और दंगा ना हो जाए। तो उसको रोकने के प्रयास के लिए सभी संगठनों से बातचीत की, बातचीत चलती रही, नेट बंद था वहाँ पर, काफ़ी सारी वीडियो अभी तक भी वायरल नहीं हुई। उसके बाद जब वो माहौल कंट्रोल कर लिया जाता है टिकैत साहब के द्वारा और शांत करने का प्रयास किया जाता है, उसी समय चढ़ूनी साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो इसलिए कि किसान अगर वहाँ से शांत हो गया तो अब बॉर्डरों से हंगामा हो जाए, बॉर्डरों से आग बबूला हो जाए लोग, क्योंकि ये चाहते हैं ऐसे। 28 जनवरी की रात को भी मैं यहाँ पे था जब कत्ल की रात थी, उस दिन भी वो भी मेरी आंखों के सामने था सब कुछ। ऐसे इन्होंने उस दिन समाप्त करने का प्रयास कर, ऐसे ही षड्यंत्र इन्होंने अभी 3 तारीख को रचा था, लेकिन ये अपने मंसूबों में पास नहीं हुए। आज जो ये काम कर रहे हैं, अगर ये सरकार चाहती है कि इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान को सूली से नीचे उतार दे भारतीय जनता पार्टी, तो आज इसी वक्त इन्हें अपने मंत्री को इस पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और उसको जेल भेज देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हुई कि किस तरीके से आनन फानन में जब से दबाव बना रहे तब से जा कर के अब तक उसका लड़का अरेस्ट नहीं हुआ था। कल जिस तरीके से करा, पूरे मंसूबे इनके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी पूरा प्रशासन की ताकत थी कि एक्सीडेंट दिखाओ, उसको दुर्घटना दिखाओ, लेकिन नहीं, वो हत्या थी। काफ़ी सारी वीडियो अभी नहीं आई, हमने जा कर के देखा। जिस व्यक्ति को अभी बहुत अनसुलझे सवाल है वहाँ के लखीमपुर के, जिस व्यक्ति को किसानों ने जिंदा पुलिस को दिया, अगर उस आदमी की डेड बॉडी भी जंगल में मिल रही है, खेत में मिल रही है, तो इसके पीछे का षड्यंत्र सोचो क्या है, इसके पीछे की चाल सोचो क्या है। आज पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पूरे जोश और हवास हवास में ये पार्टी काम कर रही है और ये चाह रही है किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हो और उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब हो और लोगों को डिवाइड करे। अभी मिहिर भोज की मूर्ति यहाँ पे लगी थी, उसके अंदर भी इन्होंने क्या काम करा, गुजरोट ठाकुरों को विभाजित किया। अब इसी तरीके से 5 तारीख को जब मुजफ्फरनगर में हमारी पंचायत थी, उस समय जाटों को जाटों से लड़ाने का प्रयास किया, उसके बाद इन्होंने पंचायत की, वो ग्राउंड इनसे ट्रैक्टरों से नहीं भरा। और किसान अब फिर 26 तारीख को पंचायत कर रहे हैं लखनऊ में, उससे भी एक बड़ा संदेश पूरे देश को जाएगा। 15 तारीख को देश भर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाया जाएगा, वो पुतला जो रावण का प्रतीक माना जाता है। तो ये दोनों हमारे किसानों के लिए तो रावण है, ये भी तो रावण है प्रधानमंत्री, और ये जो गृह मंत्री जिनको बता रहे हो तुम, किसान जिस बुदहाल में जी रहा है, इन्होंने तो इस बात की परवाह ही नहीं है ना कि भाई, तो ये तो रावण से भी बुरे हैं, इनका इसी तरीके से पुतला दहन होगा। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है इसलिए आप उनका पुतला दहन करेंगे। एक बात तो बताओ, कहीं किसी के कहीं उनका कोई आदमी कहीं गुर्जर तो संवेदना तो आदमी प्रकट कर ले है। तो वो तो भाजपा के उसमें कार्यकर्ता भी मरे हैं, उनके लिए भी उन्होंने कोई दो शब्द नहीं संवेदना के लिए कुछ बोला, उनका अपना मैटर है कि क्या करना क्या ना, लेकिन जहाँ भी इस तरह की घटना घटना संवेदना तो प्रकट करी जा है, ये बताओ आप। तो ये तो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी है, इन्होंने किसी को मतलब नहीं है, इन्होंने तो किसान बिल्कुल ऐसा इस हाल पर खड़ा कर दिया, अब उसके हाथ में कटोरा दे दिया इन्होंने। इससे बुरी गवर्नमेंट हमारे किसानों के लिए तो कभी जीवन में आई ना आवे। योगी जी ने 2 साल पहले जब भी बने बने थे गंगा जी में बढ़ के कसम खाई थी, गंगा जी में बढ़ के मैं किसानों का पेमेंट जाति करवा दूंगा, और पहले कसम खाने वाला मर भी जाएगा, अब इनका बुखार भी नहीं आता। तो बहुत पीड़ा है किसान की भैया। तो योगी जी से क्या पीड़ा है, तो कृषि कानून तो केंद्र के अंदर में आता है ना। कृषि कानून तो चलो केंद्र के हैं, पर उत्तर प्रदेश सरकार का भी तो कोई दायित्व होता होगा, जो हम अपना माल गिर कर रहे हैं हमारा, उसका पेमेंट 3-3 सालों नहीं होता, वो किसका दायित्व है बताओ आप। तो मतलब देश भर में भाजपा का विरोध करेंगे आप? बिल्कुल डटके करेंगे, जब तक सांस चलेंगे जब तक इनका विरोध करते रहेंगे, जब तक हम महरिजान ने समस्या बो रखे, बीज बो रखे इन्होंने। ये कहीं वो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको हटाने की बात आप लोग सिर्फ इस वजह से तो नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी कई सारे मुकदमे दर्ज थे? नहीं, उन्होंने घटना से 4-5 दिन पहले क्या कहा था, उससे पहले योगी जी ने क्या कहा था, किले लखनऊ है, सोच समझ के काम करना। उससे पहले खट्टर ने क्या कहा था, अगलट का जवाब लट से दिया जाएगा। तो ये जब बाप, एक बात बताओ, जब मेरा पापा मुझे किस चीज के लिए ऐसे बयान देगा तो मैं तो बढ़ चढ़ के काम करूंगा।
जब मंत्री जी ने कह दिया कि भाई इनसे सख्ती से निपटा जाए, तो सख्ती का मतलब उसने तो फिर गाड़ी चढ़ा दी, मान लोगे नहीं इस बात को। तो उसके बाप जो इतना जिम्मेदार पद पे है, तो उसे तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसने चार पांच दिन पहले खुद मीडिया में यह बात कही थी, कह लगा हम सख्ती से निपटेंगे। योगी ने भी यह बात कही थी, हमारे टिकेट साहब के बारे में भी कई बार योगी जी ने कहा है ये लखनऊ है, जरा ध्यान से आइए। लखनऊ उसके बाप का है क्या? या वो कई जेब में गिर कर लेकर आए थे? ये आम जनता का ही तो है, आम जनता ने ही तो उनको वहाँ बैठाया है, आपको उतार भी देंगे, क्या रह जाएगा, खत्म। तो ये अगर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो जाता है तो वो काफ़ी होगा फिर, आप लोगों का विरोध खत्म हो जाएगा? देखो विरोध, जहाँ तक विरोध खत्म करने वाली बात है, विरोध हमारा जब खत्म होगा, जब बीजेपी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी पूरी इंडिया में से, ठीक है जी। और रही बात उसके इस्तीफे की, यार इतना तो हम, इतने डिमांड तो हम रख सके, जब हमारे किसानों पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, उनकी हत्या कर दी, तो कम से कम इस्तीफा मांगने लायक भी नहीं है, उसको तो खुद दे देना चाहिए था। अगर यही घटना कोई आम आदमी कर देता तो उसके लिए क्या यही प्रोसीजर होता कि उसे पुलिस प्रशासन जो है प्रोटेक्शन देता रहता है, उसे दो चार दिन गोलमोल, एक घंटे में अगर आम आदमी इसी घटना को कर देता जो घटना मंत्री के लड़के ने करी, तो एक घंटे में उनके पूरे रिश्तेदारों को उठा लेती पुलिस और उन्हें एक घंटे में पैदा कर देती। अरे यहाँ आप देख लो, मतलब पुलिस के काम पे आप सवाल उठा रहे हैं पुलिस के, सुनो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दिनों अभी जो गोदी मीडिया है वो पुलिस के काम का बहुत ज्यादा गुणगान कर रही है कल रात से। देखो पुलिस किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री के। पुलिस की इसमें क्या गलती है? ऊपर से जैसा आदेश होगा ना तो तनखची है ना नौकरी चाहिए, जो ऊपर बैठे वाले जैसे आदेश करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे। विपक्ष के जो नेता हैं उनका भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे वो निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए बात उनकी भी सही है, पर समस्या देखिए, हम समाधान पे ध्यान नहीं देते, ज़्यादातर हम समस्याओं पे ध्यान देते हैं। समस्या यही है कि जो हमारा विपक्ष है अगर वो ढंग से काम करता और अच्छे तरीके से वो हमारा साथ देता या हमारी आवाज़ों को उठाता पहले से, तो शायद इसका फैसला कभी से हो गया होता। क्योंकि जब विपक्ष ख़त्म हो गया हो और जो सत्ता वाले हैं वो निरंकुश हो गए हो, तानाशाह हो गए हो, गुरु चाणक्य ने एक ही बात कही है कि उस समय जनता को एक विकल्प चाहिए। आज लोग तराई तराई पुकार रहे हैं, आज लोग बिल्कुल बर्बादी की कागार पर आ चुके हैं, देश का नौजवान साथी आज बेरोजगार होता जा रहा है, वो रोज़गार मांग रहा है। ये लोग उसी प्रवृत्ति के आदमी हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाते हैं हम लोग, और ये लोग गोडसे की उस पिस्तौल का प्रचार करते हैं। हम शास्त्री जी को पूछते हैं, हम गांधी जी को पूछते हैं, और ये गोडसे को मानते हैं। ये इनकी सोच से उस गाड़ी को चढ़ाने से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पता चल गया पूरे देशवासियों को कि ये लोग तानाशाह है, ये गोडसे के विचार वाले हैं। इन लोगों ने उसी जब गांधी को मारा था, इस गांधी के विचार को समाप्त करने का प्रयास किया। इन्होंने गांधी तो मार दिया लेकिन गांधी के विचार को देश से कैसे समाप्त करेंगे? ये गांधी का विचार है, हर आदमी जो जी रहा है गांधी को जी रहा है, गांधी को मार दिया लेकिन ये सोच रहे कि इस गांधी के विचार को भी तुम समाप्त कर दो। ये विचार समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रांति विचार की क्रांति है। और ये लोग देश में, अगर एक बेरोजगार मिलियनों में ट्वीट करता है रोजगार मांगने के लिए, वो ट्वीट नहीं हो पाता, वो ट्रेंड में नहीं आता। किसान करता है, किसान का नहीं आता, इनके केवल सुधीर मलिक के 12,000, सुधीर चौधरी के 12,000 ट्वीट कर दो तो ट्रेंड आ जाता है। ये कौन सी मीडिया है, किस पे विश्वास करे? सबसे ज़्यादा विश्वास किया था कि देश का चौथा पिलर है मीडिया, और मीडिया आज इनकी प्रिंसिपल, इनकी ठेकेदार बनी बैठी है इन सरकारों की। क्योंकि ये बीमारी यहाँ से नहीं आई थी, बीमारी आई थी 2013 में, 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो इन जो ये व्यापारी लोग हैं इन लोगों ने सबसे बड़ा दांव इनके ऊपर लगाया था। सबसे पहले मीडिया खरीदी गई, और आज मीडिया खरीद करके मीडिया क्या करती है? हमेशा चैनल देखने वालों को एक काम करना चाहिए, जो गोदी मीडिया दिखाई है उसका बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है देश में। आज विकास की बात करें, पूरे देश में क्या विकास हो गया? तो ये गोदी मीडिया तो हर जगह विकास 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 बता रही है। बता देता हूँ विकास, अभी कुछ दिन पहले इनके योगी जी का पोस्टर आया था अखबार पे, जिसके अंदर उस पर इनकी खबर आई थी। इन्होंने पोस्टर पे छपवाया था एक हाईवे और बिल्डिंग है, उसी बंगाल में जाकर के इन्होंने कहा था कि बंगाल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। उसी बंगाल की फोटो अखबार पे छाप करके बताते कि विकास हो गया।
आप एक बार बताइए, अगर बोर्ड है, एक बोर्ड के ऊपर मैं रोटी छाप दूं और रोटी छाप करके आपके घर के पास लगा दूं, क्या उससे पेट भर जाएगा? मात्र कहने से देश का विकास नहीं होता, मात्र कहने से लोगों को रोजगार नहीं मिलता। केवल नाम बदल देना ही विकास नहीं है। अगर मेरा नाम तुम बदल करके नरेंद्र, तो गोदी मीडिया तो ये भी बता रही है कि अभी पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा दिए गए, ये तो सही है? देखिए हाँ, ये भी अच्छे मुद्दे भाई हो आप लोग। सबसे बड़ी बात यह है, जब 2013 में ये लोग चिल्ला रहे थे देश में कि उस देश का पैसा गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश का तेल का पैसा बढ़ता है जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, उस देश में महंगाई आती है जिस देश का प्रधानमंत्री खराब हो, और आज ये लोग कहते हैं कि आज जो ये तेल है गैस है हमारे हाथ में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, या तो तुम 2013 में गलत थे या तुम आज गलत हो, बताओ कब गलत थे? सच्चाई बतानी पड़ेगी इस देश को, बताना पड़ेगा कि तुम सच कब थे, 2013 में थे या आज हो, बताओ गलती कब की? गलती तो की है, या तो 2013 में की है 2021 में की है, गलती कब की है सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि आज सरकार ने इस देश को बर्बादी के कागार पे लाकर रख दिया। जो देश के नौजवान साथी थे, बेरोजगार साथी थे, उन लोगों को, कुछ चंद लोगों को इन लोगों ने अपने पास एक काम के लिए रख लिया कि तुम लोग हमारा दुष्प्रचार करो। क्योंकि उस सुबह आरएसएस के दफ्तर से, भाजपा के दफ्तर से एक पोस्ट निकलती है और वो पोस्ट निकल करके 5 मिनट के अंदर पूरे भारत के अंदर छा जाती है और बताते हैं कि हाँ मोदी जी सही है, मोदी जी सही है। क्या मोदी, क्या एक देश के प्रधानमंत्री का यही धर्म है? मैंने जब गीता पढ़ी, बाइबिल पढ़ी, कुरान पढ़ी और गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, सभी ने जोड़ने की बात की है, किसी धर्म ने जो तोड़ने की बात नहीं की। जब उस धर्म, जब मैंने गीता को पढ़ा, गीता के अंदर श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा। लेकिन वो धर्म क्या है? एक शिक्षक का क्या धर्म है? अच्छे से शिक्षा देना। एक डॉक्टर का क्या धर्म है? अच्छे से इलाज करना। और एक प्रधानमंत्री का क्या धर्म है? इस देश की जनता का पालन पोषण करना। यह देश का प्रधानमंत्री नहीं है, यह गद्दार है, सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को तोड़ करके रख दिया। और मैं इस देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि जब ये देश के तोड़ने वाले एक साथ हो सकते हैं तो देश को जोड़ने वाले भी एक साथ हो सकते हैं। तो ये 15 तारीख को जब पुतला दहन करेंगे आप लोग देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का, तो खत्म हो जाएगा सब कुछ उसके बाद? नहीं, ऐसा क्यों होगा? विरोध तो खत्म कर देंगे ना फिर उसके बाद? देखिए, विरोध तो आज भी पूरे भारत के अंदर जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, हर कस्बे के अंदर, हर शहर के अंदर इनका जगह जगह खट्टर के, मोदी के, अमित शाह के, इनके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये वही अमित शाह है, बता दूं मैं आपको, समझ लेना, ये वही अमित शाह है जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे और इसको जब करंट लगा था, करंट लगने के बाद इसके बाल ऐसे खड़े हो गए थे, तो इस आदमी ने अपने फोटो छुपाने के चक्कर में पूरी दिल्ली को आग के हवाले कर दिया था, लाखों लोगों की जान को कुर्बान करवाया इस लोगों ने, सिर्फ अपने फोटो छुपाने के चक्कर में। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के आदमियों को, एनआरसी सीए का जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के सामने ले जाकर के लड़ा इन लोगों ने अपने फोटो छुपाने के चक्कर इन लोगों की जान कुर्बान कर दी इन लोगों ने। सोचने का विषय है, लेकिन देशवासी अभी समझ नहीं पा रहे, ये अंधभक्त नहीं समझ पा रहे। अंधभक्ति का डिप्लोमा क्या है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको समझाया जा सकता है, जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको बताया जा सकता है, लेकिन जो कुपढ़ है, जिसने गलत पढ़ लिया, उसको नहीं समझाया जा सकता। ये अंधभक्त में कुपढ़ है जो सुबह पोस्ट को देख लेते हैं, ये वही लोग हैं। प्रधानमंत्री में एक शब्द भी नहीं कहा पूरी घटना को लेकर। हाँ, 750 किसानों की शहादत चली गई, 750 किसानों की शहादत के ऊपर इस देश के प्रधानमंत्री की आंखें एक बार भी नम नहीं हुई। और देश का प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पर ऐसे रो देता है कि ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, रो देंगे। मैं देश का विकास करना चाहता हूं, रो देंगे। क्या 750 किसानों की जानें इतनी सस्ती है कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री एक बार भी अपने शब्दों से यह नहीं बोल सकता कि हाँ, देश, जो हमारे देश का किसान मरा है उसके लिए मैं दुखी हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं? क्यों नहीं बोला आज तक, बताइए? मेरे देश का दुर्भाग्य तो है, क्योंकि इस देश का शासक, जो शासक है वो हिटलर है, वो हिटलर शाही पे चल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं, जो हाल हिटलर का हुआ था वही हाल मोदी जी तुम्हारा होगा। स्वयं को मौत के घाट उतर खुद गोली मारोगे अपने आप को, क्योंकि हिटलर का भी यही हाल हुआ था। हिटलर की किताब उठा करके देख लेना देशवासियों, बिल्कुल हिटलर शाही जू की तू चली हुई है। एक बार आजादी के लिए पहले लड़े थे, आज फिर आजादी के लिए लड़ रहे हैं। या किसान कौम इस भारत के हर नागरिक के साथ है, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे गरीब है या मजदूर है, हर किसानों की लड़ाई लड़ने, किसान उनके साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। एक सवाल तो बहुत जायज है कि जो जिसका प्रतीक होता है, जो जिसका आइडियल होता है, उसी रूप में उसको मनाया जाता है,
देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनको किसान दिवस के रूप में उनके सालगिरह को याद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के दिन को, जन्मदिन को बाल दिवस में, तो इंदिरा गांधी को शक्ति दिवस के रूप में याद किया जाता है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके बर्थडे पर जुमला दिवस, तो रोजगार बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ जाते हैं कार्यक्रम में, लेकिन वहां से महज 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच पाते हैं और अभी तक एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।